हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विवेक मिश्रा टेक में। डेस मिस्टर, हम लोग जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, विकास इकोटेक लिमिटेड है। क्वार्टर फोर के इसके रिजल्ट आ गए हैं दोस्तों, तो कैसे आए हैं नतीजे उसी को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पैनी स्टॉक है, मतलब आपको एक सही रेंज में 5 रुपए के अराउंड खरीदने के लिए मिल जाता है, तो काफी बेहतरीन आपको यहाँ से अपकमिंग टाइम में रिटर्न मिल सकता है। तो समझते हैं इसके बारे में, कंपनी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जो चैनल पर नए हो चाहे सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑल पर रखें जिससे आने वाले नेक्स्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे हम लोग के 2 चैनल हैं, एक शेयर मार्केट से रिलेटेड, एक क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड। दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जरूर चेकआउट करिएगा दोस्तों। आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं यूट्यूब पे भी, और सेम चीज आप टेलीग्राम पे भी कर सकते हैं। मेंबरशिप के काफी सारे फायदे हैं, जिसमें से एक ये है कि आपको अगर किसी के भी कंपनी में डाउट है तो आपके जो क्वेश्चंस है वो सबसे पहले पिक किए जाएंगे, जो आप मेंबरशिप लेने के बाद पूछेंगे। आप सेम चीज टेलीग्राम पे भी कर सकते हैं, वहां पे भी एक्सप्लेन कर रखा है कि कैसे आप मेंबरशिप के में ज्वाइन कर सकते हैं, और बाकी सारी चीजें एक्सप्लेन कर रखी है। तो काफी सारे लोगों ने ले रखा है, अगर आपको सही लगता है तो आप भी ले सकते हैं। चलिए हम लोग समझते हैं दोस्तों विकास को, विकास इकोटेक को। तो 4.90 रुपीज के अराउंड कंपनी ट्रेड कर रही है। केमिकल में आ जाता है इसका, प्रोसेस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, केमिकल का ही पूरा इनका काम है। और आपको देखने को मिलेगा कि 2.30 रुपए से शेयर लगभग 5-6 रुपए ऊपर तक जाके अभी एक जो है काफी 4.90 रुपए के अराउंड, मतलब एक काफी ज्यादा डिप में देखने को मिलता है, जो कि एक तरीके से करंट जो इसका आप देखेंगे एक सबसे लोअर पॉइंट है ऑलमोस्ट सारी रैलियों के बाद से। 18 फरवरी के बाद से लोएस्ट पॉइंट के अराउंड यहां पे देखने को मिलता है। तो समझते हैं कंपनी के बारे में, मैं थोड़ा सा आपको पहले एक्सप्लेन कर दूं। तो विकास इकोटेक लिमिटेड का जो काम है पूरा का पूरा दोस्तों बिजनेस बेस्ड है, मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन है रबर प्लास्टिक कंपाउंड्स और उसके एडिटिव्स को। इसके काफी सारे फिल्म्स भी है, ठीक है, और यहाँ पे आपको बाकी डिटेल्स भी मिल जाएगी। जिसको और भी कंपनी के बारे में जानना है कंपनी के वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकता है। चलिए हम लोग समझते हैं इसके नतीजों को और कंडीशंस को कि कैसा है, मतलब ठीक ठाक है या अवॉइड करने लायक है। तो सबसे पहले मार्केट कैपिटल से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो इसकी मार्केट कैपिटल 458 करोड़ की ही है, तो यहाँ पे दोस्तों इसकी बहुत ज्यादा बड़ी मार्केट कैपिटल नहीं है, तो काफी छोटी मार्केट कैपिटल है। मेन चक्कर है, देखिए आपको यहाँ पे दोस्तों दिख जाएगा कि बहुत सारी चीजें जो है इको फ्रेंडली भी ये कंपनी बनाने की ट्राई कर रही है। नाम में ही देखिए इको भी है और टेक भी लगा रखा है इन्होंने, तो इस तरीके से है। तो इको फ्रेंडली जब चीजें बनाने लगेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जो कि फ्यूचर सेफ भी रहेगा, कंपनी को आगे चल के दिक्कत नहीं आने वाली है। बाकी इसकी बात करें ऑल टाइम हाई की, तो 27.20 रुपए तक भी शेयर जा चुका है। इस टाइम पे प्रमोटर्स की होल्डिंग इसमें बस 9.46% की है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। यहाँ पे 12 महीने की बात करें दोस्तों तो सेल भी बहुत ज़्यादा 100% से ऊपर है, प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी की बहुत ऊपर है। मार्केट कैपिटल वाला जो फंडा है दोस्तों वो ये है कि इसको अगर आप सही लेवल पे डिप में बाई नहीं करते तो काफ़ी लंबे टाइम के लिए आपको होल्ड करना पड़ सकता है। तो जो लोग सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट का देख रहे हैं वो इसमें सोचेंगे कि 1 रुपये जब पहुंचेगा तो निकाल लूंगा, तो 1 रुपये जो पहुंचने का टाइम होगा वो भी काफ़ी लंबा होने वाला है। तो इस हिसाब से आपको इसको ध्यान में रखना है। ये पॉइंट काफ़ी लोगों से मिस हो जाता है, इस चीज़ को नहीं सोचते हैं वो, कर सोचते हैं कि 4.90 रुपए पे चल रहा है, हम जैसे ही ये 6 रुपये तक जाएगा इसको बेच देंगे तो उसको आने में भी टाइम लगेगा। तो इस हिसाब से अभी हम बात करते हैं इसके कंडीशन की। तो पहले से एडेप्टर डेज ठीक हुए हैं, क्वार्टर रिजल्ट अच्छे आने की उम्मीद थी, कॉन्स भी काफ़ी सारे हैं। एक तो सबसे बड़ा यही आ जाता है दोस्तों कि इसकी मार्केट कैपिटल बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, और अभी जो नतीजे आए हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। तो हम लोग कंपेयर करेंगे दोस्तों लास्ट ईयर से, और लास्ट ईयर से देखा जाए तो कंपनी में बहुत शानदार ग्रोथ है। लास्ट ईयर बस इसने 36 करोड़ का सेल किया था और खर्चे जो थे उससे ज़्यादा हो गए थे, तो नुकसान में ही था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट से नेगेटिव में नंबर थे इसके, लगभग 4.24 करोड़ का कंपनी को नेगेटिव में लॉस हुआ था। और अभी अगर हम मार्च की बात करें लेटेस्ट वाले की, क्वार्टर फोर रिजल्ट्स की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 83 करोड़ का कंपनी ने सेल किया है, जो कि लास्ट ईयर से डबल है, और यहाँ पे प्रॉफिट में भी 7.42 करोड़ का प्रॉफिट आया है। पिछले क्वार्टर से बात करें तो पिछले क्वार्टर में सेल कम थी पर प्रॉफिट इन्होंने अच्छा बना लिया था 8.73 का, तो ये बहुत बेहतरीन बात है दोस्तों कि कंपनी की सेल बढ़ी है। आने वाले टाइम पे ये अपना प्रॉफिट मार्जिन भी इजिली इंक्रीज कर लेंगे, जिस हिसाब से इनका बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि 11-10
के अराउंड ही अपना प्रॉफिट मार्जिन समेटते हैं। और इसके अगर ओवरऑल पे बात कर ली जाए दोस्तों, तो यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा कि जो ऊपर से सब कुछ ठीक होते हुए आते हुए यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा कि 1.23 करोड़ का इस बार का प्रॉफिट है, जबकि लास्ट ईयर 11 करोड़ के लगभग का लॉस था और पिछले क्वार्टर में 3.43 करोड़ का प्रॉफिट था। तो चलिए ये एक अच्छी बात है, कंपनी का नंबर प्लस में था। अभी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इंटरेस्ट भी काफ़ी जाता है इनका, तो लास्ट टाइम से इंटरेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा रहा है, इसीलिए आपको देखने को मिलेगा कि हम लोगों को 1.23 करोड़ का ही प्रॉफिट हुआ है, पर स्टिल कंपनी प्लस में नंबर ला रही है, बहुत अच्छी बात है। अब जैसे कि इसी FY 22 की ही बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे आपको जून के डाटास में देखने को मिलेगा कि नेगेटिव में नंबर गए थे, तब से इसके नंबर प्लस में आ रहे लगातार तीनों क्वार्टर, तो ये बहुत अच्छी बात है। और इससे उम्मीद जागती है कि आने वाले जो अगला FI का क्वार्टर वन का रिजल्ट होगा वो और भी अच्छा यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा। बाकी बात करें कंपनी की, तो दोस्तों 2011 से यहाँ पे हमको 2022 तक का डाटा दिखता है। आपको दिखेगा कि लगभग कंपनी का जो 2014 तक था वो लगभग 10 करोड़ से नीचे का, 15 को भी हम काउंट कर लेते हैं क्योंकि उसका भी नेट प्रॉफिट 4 करोड़ दिख रहा है, मतलब 11 से 5 तक इन हम लोगों को देखने को मिलेगा कि 10 के बिलो था। उसके बाद 2016 से कंपनी की जो ग्रोथ है वो काफ़ी बेहतरीन रही, बहुत अच्छा चला। उसके बाद मार्च का जो था वहाँ पे बस कंपनी का 1 करोड़ का प्रॉफिट आया, ठीक है, और जो बाकी सब तो ये कोविड ने खराब कर दिया, इस वजह से यहाँ पे 14 करोड़ का इसका नेट में लॉस आया था। और अभी जो FI बीता है 22 वाला, वहाँ पे 1 करोड़ का प्रॉफिट आया है। तो मतलब एक तरीके से देखा जाए दोस्तों, इसकी सेल के नंबर बढ़े थे, कोविड ने इन चीज़ों को खराब किया है इसके डाटास को, वरना ये कंपनी ग्रोथ दिख रही थी कि ग्रोथ हो रही है। चलिए आने वाले टाइम पे इसकी अगर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है इस कंपनी में, जिस हिसाब से इसकी मार्केट कैपिटल दिख रही है, जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी उतना ज़्यादा ये ग्रोथ करने वाला है। इसके चार्ट पे बात कर लेते हैं, तो वही चीज़ जो मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें आपको बहुत लंबा एकदम सब्र वाला ही लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाएं, क्योंकि जो बिना सब्र के जाएगा वो इसमें फंसने वाला है। इसलिए तो क्योंकि पैनी स्टॉक में था, बहुत लोग इसकी डिमांड करते हैं इस शेयर की कि इसके बारे में बताइए सर, पैनी स्टॉक में है। तो फिलहाल जो स्ट्रांग सपोर्ट दिख रहा है वो 4.15 रुपीज़ पे है, वीक है जो वो 4.55 रुपीज़ पे है। खरीदने के लिए अगर आपको जाना है तो वो दिखता है 4.65 रुपये के अराउंड, और आप लोगों को जो इसमें टारगेट है दोस्तों वो हम लोगों को मिलने वाला है 5.70 रुपये का, और उसके बाद का अगर हम टारगेट देखते हैं दोस्तों तो हम लोगों को दिखता है 6.10 रुपये का। तो फिलहाल यही टारगेट होगा, और टारगेट काफ़ी लेट आ भी सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से इसके रिजल्ट रहे हैं इस बार के बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, उस हिसाब से मैं आप लोगों को ये पॉइंट बता रहा हूँ। तो यही टोटल अपडेट हो जाएगा विकास इकोटेक लिमिटेड पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग इस वीडियो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में।